दोस्तों, मुसलमान धर्म में खतना की प्रथा कब से और क्यों शुरू हुई? वैसे तो खतना के बारे में हर किसी को पता है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अपने प्राइवेट पार्ट के आगे वाले हिस्से की ऊपरी त्वचा को कटवा देते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि ऐसा वो क्यों करवाते हैं और मुसलमानों में ये प्रथा कब से शुरू हुई? क्या इसके कोई फायदे होते हैं या फिर इस प्रथा को यूं ही चलाया जा रहा है? सिर्फ इतना ही नहीं, आज के इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन से लोग हैं जो खतना करने के बाद जो त्वचा निकलती है उसे खाते हैं। तो बिना स्किप किए बने रहिए वीडियो के अंत तक, ताकि खतना के बारे में ये जानकारी आप भी जान सके। और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कब से खतना की प्रथा शुरू हुई। असल में प्राग ऐतिहासिक काल के गुफा चित्र में इसका उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि खतना करवाने की ये जो प्रथा है ये अब्राहम युग से भी पहले से चली आ रही है। 500 बीसी से इसका उल्लेख मिलता है। यहूदियों की मान्यता के अनुसार ये करीब 4000 साल से प्रचलन में है। यानी कि खतना को सीधा सीधा मुसलमानों से जोड़कर देखना गलत है, क्योंकि जब इस्लाम धर्म की स्थापना भी नहीं हुई उससे पहले से ही खतना लोग करवाते आ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। प्राइवेट पार्ट के आगे वाले हिस्से की ऊपरी त्वचा को काटने में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और इसी के बारे में कैनेडियन मेडिकल जर्नल में बताया गया है कि आज से नहीं बल्कि हजारों साल पहले से ही खतने की प्रक्रिया को अपनाते आ रहे हैं, जिसकी दो महत्वपूर्ण वजह है। सबसे पहली वजह है स्वच्छता। जी हाँ, आज के समय में भले ही हम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अपने प्राइवेट पार्ट को हाइजीनिक रखते हैं और स्वच्छ रख पाते हैं, लेकिन पहले के समय में ये सारी चीजें करना संभव नहीं था, इसलिए लोग स्वच्छता के लिए ऐसा करते थे। और दूसरी, पुरुष अपने काम वासना के शैतान को अपने काबू में करने के लिए खतना करवाते थे। पर असल मायनों में कहा जाए तो उसकी शुरुआत ही यहीं से हुई थी कि पुरुषों को ऐसा लगता था कि अगर वो खतना करवा लेंगे तो अपनी काम वासना पर काबू कर पाएंगे। यही वजह है कि खतना की प्रक्रिया शुरू हुई और अब तक चली आ रही है। हालांकि इससे जुड़े कुछ खास तथ्य भी सामने आते हैं, जैसे कि केवल मुसलमान ही खतना क्यों करवाते हैं, बल्कि खतना सिपाही के द्वारा भी करवाया जाता है। कुछ विशेष सुरक्षा समूह में स्वच्छता की दृष्टि से खतना करवाया जाता है और कई बार तो किसी मिशन के दौरान भेजे जाने वाले भारतीय एजेंट्स भी खतना करवाते हैं। वैसे आप भी ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस वक्त खतना करवाए हुए पुरुषों में सिर्फ 68% मुसलमान है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं जो बाकी के लोग खतना करवाते हैं उनकी क्या वजह होती होगी, जिसमें अधिकतर लोग तो स्वच्छता की दृष्टि से खतना करवा देते हैं। और डॉक्टर का मानना है कि खतना करवाने से एड्स से बचने की संभावना 5% बढ़ जाती है। और ये हकीकत कहीं से भी गलत नहीं है कि पहली बात तो आपको स्वच्छ रखता है और दूसरी बात आपको बीमारियों से भी बचने में मदद करता है। तभी तो डॉक्टर का कहना है कि खतना करवाने से स्वच्छता 20% बेहतर हो जाती है और किसी प्रकार की गंदगी शरीर के अंदर प्राइवेट पार्ट के जरिए नहीं पहुँच पाती। इतना ही नहीं, डॉक्टर तो ये भी कहते हैं कि शारीरिक संबंधों में आवश्यक संवेदनशीलता में 25% की कमी आ जाती है। हालांकि ये चीज प्रकृति के विरुद्ध है, लेकिन अगर इंसान अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहता है तो ये कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार इंसान को अपने शरीर में कोई भी चीज नहीं करवानी चाहिए जो उसको उसके स्वभाव से अलग करे। लेकिन अगर हमें अपने आप को नियंत्रित करना है तो इस तरह की चीजें करना गलत बात नहीं है। अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, पर यही बात सच है। अफ्रीका के कुछ इलाकों में खतना करने के बाद जो त्वचा निकलती है उसे इंसान खा सकता है या खतना करने वाला खा सकता है या फिर उसे पशुओं को खिलाया जा सकता है। हालांकि यहूदियों के कानून को अगर देखा जाए तो उनके अनुसार खतना करने के बाद जो त्वचा निकलती है उसे दफना दिया जाता है। वैसे इस काम में अमेरिका के कुछ लोग सबसे आगे हैं, जो खतना करने के बाद निकलने वाली त्वचा से धार्मिक उपयोग में आने वाली थैलियां बनाते हैं। वैसे खतना करने के फायदे होते हैं ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन इसमें दर्द भी बहुत होता है और यही कारण है कि खतना करने के नए तरीके भी खोजे गए जिसमें दर्द कम हो और खून भी नहीं बहता। लेकिन उन्हें पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि ज्यादातर खतना धार्मिक लोग करते हैं और वो अपने पुराने रीति रिवाजों से ही चलना पसंद करते हैं, जबकि खतना करवाने के जो वैज्ञानिक कारण है वो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसके विकल्प को ढूंढा जहाँ पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक है। सऊदी अरब के रेगिस्तान में स्वच्छता के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। अब सऊदी अरब में तो मुसलमान ही रहते हैं, ऐसे में वो लोग अपने पुराने तरीके से खतना करवाते हैं। लेकिन जो लोग मुसलमान नहीं है वो जरूर सोच रहे होंगे कि अगर खतना करवाने के इतने फायदे हैं तो क्या साइंस ऐसा तरीका नहीं निकाल सकते जिसकी वजह से खतना करने में जिस आगे वाली स्किन को निकाला जाता है वो अपने आप ही निकलकर बाहर हो जाए? इसके जवाब में अभी तक वैज्ञानिक इस तरह का कोई भी तरीका नहीं पता लगा पाए। हालांकि वो इस काम में लगे हुए जरूर है, क्योंकि हर किसी को पता है कि खतना करना कहीं से भी गलत नहीं है और ये पूरी तरह से वैज्ञानिकों द्वारा साबित किया जा चुका है और मेडिकल साइंस भी इसे खुद लाभदायक बताता है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स मौजूद है और ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब मिलेंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।